हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी अर्स ब्लॉग्स। तो आज हम आए शिल्प बाजार में घूमने के लिए। ये देखिए गाइस दोस्तों, यहाँ पे काफी प्यारी प्यारी शॉल है। देखते हैं दुकान के ओनर से बात करते हैं कि भाई शॉल कहाँ से लाते हैं। जो ये लोग अपनी सेटिंग लेने वाले हैं। चल नाम बताओगे कुछ इनका? ये स्टॉल है। अच्छा, और ये सारे स्टॉल ही है। और ये टंगे भैया, ये शॉल कौन सी वाली शॉल का नाम क्या है? आरी व्रत का। आरी व्रत का। तो भैया मतलब कैसे, क्या कौन से कौन सा ऊन इसमें लगता है? पश्मीना कश्मीर से। गाइस जैसे कि आपने स्टॉल देख लिए, तो अपन दूसरे शॉप पे चलते हैं। आइए तो इस साइड ये देखो, आज का कितना मस्त सुहाना मौसम है। तो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ देखिए कितने मस्त मस्त कपड़े टंगे हुए हैं यहाँ पे। ये अगेन उत्तर प्रदेश की शॉप है। कौन सी साड़ियाँ हैं पूछेंगे भाई साहब से, अभी कस्टमर के साथ बिजी है थोड़ा, फिर देखते हैं। तो आइए जब तक अपन आगे की शॉप पे चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट शॉप। चलिए देखते हैं। एंड ये देखिए, कुछ देखिए, ये स्टॉल है, ये साल है। क्या है ये? सह नियंत्रण कक्ष। यहाँ पे क्या होगा भाई? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है आज का। वो देखिए चेयर लगी हुई है एंड बोर्ड लगा है। तो आज का कुछ प्रोग्राम है यहाँ का, बट पता नहीं क्या है। अभी जब तो स्टार्ट होगा तब देखते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। तो ये देखिए एक ये अपने मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के यहाँ पे देखिए थैले मिलते हैं। थैले प्यारे प्यारे सूट भी टंगे हुए। थैले हैं यहाँ पे काफी हैंडमेड। देखो मैं दिखाता हूँ कितने डिजाइनिंग वाले थैले। अंकल से बात करते हैं। मस्त मस्त थैले हैं यार, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। आप आइए और एक बार देखिए जरूर। यहाँ पे सिल्क बाजार में शॉप नंबर 11 अपनी ग्वालियर की शॉप है, मध्य प्रदेश की शॉप है अपने। आइए अंकल से पूछते हैं कुछ इन थैलों के बारे में। अंकल एक मतलब कितने क्या टाइम में बनने में कितना समय लगता है इसको? ये पहले तो ये सब कढ़ाई वाला है ना, ये हाथ से करते हैं हम लोग, बिना फ्रेम की कढ़ाई करते हैं। ये देखिए सारी कढ़ाई हाथ से होती है, जैसा कि अंकल ने बताया इनकी बिना फ्रेम की कढ़ाई होती है। काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनने में गाइस। तो प्लीज़ एक बार आइए, विजिट कीजिए, शॉप नंबर 11 है। आप तो अगर आपको ये थैले पसंद आते हैं तो आप सिल्क बाजार में दुकान नंबर 11 पे आ सकते हैं। बैग कितने और ले सकते हैं? बैग दिखा, कॉलेज बैग है, बहुत देखिए कॉलेज, ये देख लिए कॉलेज स्टूडेंट के लिए बैग है ये। आप आज देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी प्यारी कढ़ाई है इसकी। आप देख सकते हैं सब हैंडमेड कढ़ाई है, जैसे कि अंकल ने बताया काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप ना भी खरीदो प्लीज़ एक बार आकर विजिट कीजिए, कितनी प्यारी तरीके से इन्हें बनाया जाता है। प्लीज़ एक बार जरूर आइए। और यहाँ देखिए कितने प्यारे हैंड बैग, ये कितना मस्त लग रहा है छोटा सा। देखिए छोटा सा हैंड बैग कितना प्यारा सा है। वो वाले भी अच्छे। ये देखिए ये हैंड बैग है, ये देखिए ये वाले का बोतल है वो रखी है, ये वाटर बोतल के लिए बैग है। तो अगर आपको ये पसंद आते हो तो आप सिल्क बाजार में शॉप नंबर 11 पे आके ये परचेस कर सकते हैं। ये भी सारी हाथ से कढ़ाई है सर, सारे बेटे सब हाथ का काम होता है। और ये सारे जो भी की गाइस कितना प्यारा सूट है, ये पूरी कढ़ाई है, अंकल बता रहे हैं पूरी हाथ की है, काफी मेहनत लगती है। देखिए कितनी डिजाइन, ये ब्लाउज पीस है लेडीजों के लिए। ये देखिए गाइस, ये लेडीजों के लिए ब्लाउज पीसेस है, ये पूरा हैंडमेड डिजाइन है ये। एक बार आइए और जरूर देख के जाइए। ये बेडशीट भी देखिए, ये भी पूरा हैंडमेड है सारा। कितनी प्यारी कढ़ाई है, हम लोग बिना खरीद के कढ़ाई करते हैं। अंकल का भी। अंकल अब आप अपनी शॉप के बारे में कुछ बताइए प्लीज। हमारी ये कॉटन में कलर वगैरह नहीं आते, धुल के आते हैं ये सारे। और हमारे यहाँ सब लेडीज काम करते घर में, खुद की है ये नहीं है खरीदा हुआ, मार्केट में मिलेगा नहीं है। सारा काम लेडीज को दे रहा होता है अंकल? हाँ सब लेडीज ही करती है। क्या बात है, वुमेन एम्पावरमेंट में अंकल काफी हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज एक बार जरूर आइए अंकल की शॉप पर, सिल्क बाजार शॉप नंबर 11। बिना फ्रेम की कढ़ाई करती है सर, बिना फ्रेम की कढ़ाई। तो गाइस अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज सिल्क बाजार में शॉप नंबर 11 पे आ जाइए। अंकल से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए थैंक यू। नेक्स्ट शॉप है प्रदेश पे, हमने अच्छे अच्छे बैग देखे, सूट देखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप पर, देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की काफी शॉप है उत्तर प्रदेश की। ये देखिए गाइस, मध्य प्रदेश हमारा अभिषेक भाई है, बेचारा बहुत परेशान है, इससे भी बात कर लो थोड़ी।
परेशान नहीं हूँ मैं, तुमसे सताया हुआ हूँ, तुमने मेरे को याद नहीं किया है वो दिनों से यार, कब मिलने आने वाली हो। गाइस हम कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की शॉप पर अभी तक जा चुके हैं, अब हमें बिहार की शॉप एक दिखी है, चलिए चलते हैं, क्या है देखते हैं। गाइस ये देखिए यहाँ पे कुर्ते के कपड़े हैं, ये कुर्ते कपड़े हैं, क्या नाम है वैसे इन कपड़ों का अंकल, कपड़ों का नाम बताओ, ये सारे कॉटन में कपड़े हैं। आइए चलिए अंकल से ही बात करते हैं, ये देखिए बिहार से शॉप है, देखिए अंकल कितने प्यारे प्यारे कपड़े, है भागलपुर का, अच्छा कुर्ता शर्ट लेडीज सलवार सूट बनता है भागलपुर का, ये चादर है हिंदी चादर है, ये फेमस चादर आता है भागलपुर का, भागलपुर का सिल्क भी है सर। अंकल आप कहाँ से हो? हम लोग पटना से। आप पटना से यहाँ शॉप लगाने आओ? तो ये देख लिए कितने प्यारे प्यारे कुर्ते टंगे हुए हैं यहाँ पे। गाइस अंकल पटना से आए हैं यहाँ पे, वहाँ की कला कितनी है, दुकान नंबर 24 है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी पसंद आया, कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो आप सिल्क बाजार में दुकान नंबर 24 पे आकर विजिट कर सकते हैं और आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं। ये हम काफी शॉपें देख चुके हैं सिल्क, यहाँ पे एक नंबर ब्रांडेड कपड़े हैं, कॉटन सिल्क जो भी आपको चाहिए एक नंबर मस्त कपड़े मिलेंगे। ये देखिए गाइस काफी मेहनत लगती है, सारा सामान हैंडमेड है, प्लीज एटलीस्ट अगर खरीदो ना तो एटलीस्ट एक बार आओ, एक बार दर्शन ले जाइए, दर्शन लीजिए, भगवान जी का दर्शन लेने आए हैं। ये देख अभिषेक भाई हमसे कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं। आइए अभिषेक भाई क्या कहना चाहते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरे शायरी के चैनल को ना लाइक किया ना सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से जल्दी उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपना अगला शायरी का चैनल सुना सकूं। एक शायरी और सुनाना चाहेंगे अभिषेक भाई? नहीं, जब ये लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तब मैं अपनी अगली शायरी सुनाऊंगा। तो आइए और आगे चलते हैं और शॉपों पे। गाइस अब हम आ गए शराफा बाजार में, यहाँ सारे हैंडमेड चीज़ें बनी हुई हैं, तो अंदर चलते हैं फिर अंदर का सीन देखते हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारे लहंगा और पर्स है। तो गाइस देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी कढ़ाइयाँ की गई हैं, आंटी कुछ बता सकती हैं आप इनके बारे में? ये कढ़ाई हैंडवर्क है, कहाँ का? गुजरात का हैंडवर्क है, हर पूरा गुजरात से बना हुआ है, हैंडमेड वर्क है सारा, कितना मस्त लग रहा है देखने में। गाइस प्लीज एक बार विजिट कीजिए, देखिए और पसंद आए तो लीजिए, और यहाँ पे काफी, और वो बैग्स देखिए, बैग्स बैग्स जोड़े आंटी, ये भी हैंडमेड गुजरात, सब गुजरात, सारा सामान गुजरात का ही है, माय हैंडमेड माय प्राइड। गाइस देखिए पूरा हैंडमेड बना हुआ है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे लहंगा, ये देखिए लहंगा शादी में पहनने के लिए यहाँ से लेके जाइए, चल दिया ये। हाँ हो गया, देखिए गाइस कितने मस्त लग रहे हैं, सारे हैंडमेड बने हुए हैं, तो अगर आपको यहाँ पर कुछ ही पसंद आए तो सिल्क बाजार में आके आप इन चीज़ों को परचेस कर सकते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे यहाँ पर सब कुछ। तो अगर आप, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेना चाहेंगे? नो लहंगा। तो गाइस हमने पूरा सिल्क बाजार घूम लिया है, तो अब हम जा रहे हैं घर पे, नहीं घर क्योंकि यहाँ बारिश आने वाली है, बारिश होने वाली है, तो हम जा रहे हैं घर पे। ये देखिए यहाँ बेलपुरी मिलती है, यहाँ सॉफ्टी मिलती है, यहाँ पे भुट्टे मिलते हैं, खिला दो यार कोई भूख लग रही है, यहाँ पे गुड़िया के बाल, और यहाँ पे गोली मिलती है संतरे की, जो भी गोली चाहिए, तो आइसक्रीम खाएगा कोई। तो गाइस हमने पूरा सिल्क बाजार घूम लिया है, तो यहाँ पे बारिश होने वाली है, तो हम जा रहे हैं इसलिए घर पे। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।